प्यारे मसीही भाइयों बहनों, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इससे पहले वाला आत्मिक संदेश सुना और आशीष पाई, और इतना ही नहीं, आपने बहुत ही उत्साह के साथ उस आत्मिक संदेश को अन्य लोगों में बांटा भी। इस प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपने पवित्र आत्मा में और भी ज़्यादा परिपूर्ण करता जाए, आमीन। इस आत्मिक संदेश को समझने के लिए पवित्र आत्मा जी आप सब की मदद करें। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि इंसान को भ्रम में से निकाल कर उसकी असली स्थिति को उसके सामने लाना है, ताकि इंसान समय रहते अपने आप को सुधार सके। क्योंकि अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाएं, या आप अगले ही पल जीवित ना रहें, तो आपके पास पश्चाताप का कोई मौका नहीं होगा। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को अपने जीवन में हुई घटनाओं से मेल करके समझिए। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक उससे अच्छी चीज़ हमें ना मिल जाए। मान लीजिए आपके पास कुछ कपड़े हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन अचानक आपको एक दिन आपका कोई मित्र बहुत ही महंगे गिफ्ट कपड़े जो है गिफ्ट कर देता है या कर देती है, तो आप महसूस करके देखिए कि तब क्या होता है। वो कपड़े जो आपको अच्छे लगते थे, वही कपड़े नए कपड़ों के सामने फीके पड़ जाते हैं, जबकि कपड़े वही हैं और वैसे ही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको वो पुराने कपड़े फीके लगने लग गए। मैं मुद्दे की बात पर आने से पहले उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपनी आशीष को अच्छे से प्राप्त कर पाएं और कुछ भी छूट ना पाए। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाए बैठे हैं और अचानक से लाइट आ जाती है, तब आप क्या करेंगे? उस लाइट बल्ब को बंद करेंगे या मोमबत्ती को बुझा देंगे? जाहिर सी बात है कि आप मोमबत्ती को बुझा देंगे, क्योंकि अब लाइट आ चुकी है और बल्ब जल रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि उस मोमबत्ती से भी तो आपका काम चल ही रहा था, तो आपने बल्ब को क्यों नहीं बंद किया, मोमबत्ती को क्यों बुझाया? बस अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि बल्ब मोमबत्ती से उत्तम है, और जब बल्ब की रोशनी उपलब्ध है तो मोमबत्ती जलाने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें सुनने और मानने से आपके जीवन में आत्मा की नई ताजगी आ जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो अपनी ज़ुबान से अंगीकार करके बोलिए, अपनी ज़ुबान से बोलना है, अंगीकार करके बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली आशीष को लेने के लिए तैयार हूँ, आमीन। अब ज़रा सा पहले दिए गए उदाहरण को सोचिए। जब आपके घर में लाइट नहीं थी, तब आपने मोमबत्ती जला रखी थी, लेकिन जैसे ही लाइट आ गई तो आपने मोमबत्ती को बुझा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट बल्ब जो है वो मोमबत्ती से उत्तम है। बस इसी तरह आप प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को समझ लीजिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह जिसको मिल जाता है, उसका उसको हर चीज़ क्यों फीकी लगने लग जाती है। आप मान लीजिए आपके पास एक हीरे की अंगूठी है, या आपके पास एक छोटा सा हीरा है, और आपको कोई इतना बड़ा कोहिनूर हीरा आपको उसके लाके उसके सामने रख दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अपना हीरा छोटा मतलब फीका लगने लगेगा। या आपने बहुत मेहनत करके बहुत सालों में कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, मान लीजिए 1,00,000 रुपये आपने इकट्ठा कर लिया है, और आपके सामने कोई आपको फ्री में लाके 10,00,00,000 रुपये रख देता है, तो आपको वो 1,00,000 रुपये जो आप अभी तक आपको सबसे अनमोल लग रहे थे, वो आपको क्या होंगे? बिल्कुल फीके लगने लगेंगे। तो ऐसे ही है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब हम उसकी रोशनी को देखते हैं, तो हमें सब कुछ फीका लगने लग जाता है। मैं वचन पढ़ने से पहले आपको पौलुस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पौलुस पुराने नियम के प्रति इतना वफादार था कि अगर कोई पुराने नियम के परमेश्वर को छोड़ किसी और परमेश्वर की बात करता था या किसी और परमेश्वर का प्रचार करता था, तो पौलुस उसे दंड देता था, यहाँ तक कि उसे जान से मार भी देता था। पौलुस के पास बहुत सारे अधिकार थे, और जाहिर सी बात है उस समय के अनुसार ऐसे इंसान के पास बहुत धन भी था। उसकी इतनी अच्छी पदवी और इतना मतलब लोगों में उसका खौफ था। लेकिन जब पौलुस का सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, तब पौलुस का जीवन बदल गया। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, लेकिन उसको मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, कि अगर पुराने नियम से उद्धार होता तो कभी भी पौलुस को प्रभु यीशु मसीह दर्शन ही न देते।
क्योंकि पुराने नियम में उद्धार नहीं है, उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। तो आगे आइए वचन देखते हैं। पौलुस कहता है फिलिप्पियों 3:7, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं आप, नहीं तो अपने बाइबल में बाद में पढ़ लेना। फिलिप्पियों 3:7, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आप अपनी बाइबल में से इस वचन को बार बार पढ़िएगा। पौलुस कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पौलुस का इतना खौफ था कि उसके डर से लोग कांपते थे, लेकिन पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के कारण वो जीवन छोड़ दिया। और आजकल के पाखंडियों को देख लो जरा, ये जो पास्टर, जो पाखंडी पास्टर बनते हैं, ये लोगों पर हुकूमत, मतलब अपना खौफ दिखाने के लिए, अपनी हुकूमत करने के लिए ऐसे खड़े होते हैं और बॉडीगार्ड रखते हैं ताकि लोग उनसे डरें। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के कारण अपनी ऊंची पहचान, अपने रुतबे को छोड़ दिया। और आजकल के पाखंडी पास्टरों को देख लो, ऊंचा रुतबा दिखाने के लिए जनता के खून पसीने की कमाई से अपने लिए महंगी महंगी कारें खरीदते हैं, महंगे महंगे कपड़े, महंगा महंगा, मतलब ऐसा दिखावा करते हैं कि बस हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं संसार में। लेकिन पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, तब हम देखते हैं कि वो उन संसारिक चीजों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, के कारण से छोड़ता गया। पौलुस के पास जो भी धन संपत्ति, जो भी सब कुछ था, उसने प्रभु यीशु मसीह के कारण सब कुछ छोड़ दिया। और आजकल के पाखंडियों को देख लो जरा, चर्च बिल्डिंग के नाम में करोड़ों की संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। इनको पता है कि इसका फल नरक की आग में जलना है, फिर भी लगे हुए हैं। खैर, मैं आपको यीशु के प्रेरितों और आजकल के प्रेरितों में फर्क इसीलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको भी मेरी तरह ये बातें समझ आ जाएं कि आजकल ज़्यादातर पास्टर शैतान के सेवक हैं, जो परमेश्वर के सेवकों का रूप धरकर यीशु नाम लेकर बाइबल के प्रेरितों के बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। आप बाइबल के प्रेरितों का जीवन देख लो और इनका जीवन देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सही और कौन गलत। तो हम पौलुस की बात कर रहे हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण संसार को कूड़ा समझ लिया। जिन बातों से उसे संसारिक लाभ हो सकता था उन सबको उसने प्रभु यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया। यही तो सच्चा मन फिराव है जिसके कारण इंसान संसारिक लालच से आज़ाद हो जाता है। इस वचन पर ध्यान दीजिए जरा, लूका 19:8, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर कर वापस दूंगा। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। तो सच्चे मन फिराव का मतलब जो है वो कर्मों से जाहिर होता है। आज के समय में कोई है जो सच्चा पश्चाताप करके कहे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सच में मन फेर दिया, इसलिए मैंने जितनों के साथ भी ठगी की थी मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा, या मैंने कभी किसी का पेन चुराया, या कभी कोई और चीज़ चोरी की हो, या कोई और पाप किया हो, तो मैं उसके बदले भी उसका पैसा भर दूंगा। पाप को मान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे छोड़ देना, और अगर हो सके, अगर आपको याद है कि आपने किसी के साथ ये ठगी की थी, ये बेईमानी की थी, तो आप क्या करो, उस बेईमानी को कबूल, उस इंसान के सामने कबूल करके कि भाई मैंने तेरा, उस समय जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैंने तेरे साथ ये ठगी की थी, ये बेईमानी की थी, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने मेरा मन बदल दिया है, इसलिए भाई ये ले अपने पैसे और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये आपकी भरपाई है। ऐसा जीवन होना चाहिए मन फिरने के बाद। ये है सच्चा मन फिराव, जिसमें इंसान को सच में पछतावा हो कि उसने पाप किया है,
ऐसा नहीं कि बस हाँ जुबान से बोल दिया हाँ प्रभु हम पापी हैं और जी हम अपने गुनाहों को मानते हैं और तू हमें माफ कर दे, यीशु के लहू हमें शुद्ध करता है, चलो जी पानी में नहा लिया और हो गया। ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ के पाखंडी पास्टरों की सारी जो काम है, क्योंकि उन्होंने तो भीड़ जमा करनी है, बस जिसको मर्जी आए चल डुबकी चल डुबकी। किसी ऐसे लोगों से आप पूछ लो जरा कि बपतिस्मे का मतलब क्या होता है, नहीं पता होगा उन्हें। पाप क्या है वो भी नहीं पता, पापों की माफी क्या है वो भी नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है बस। तो हमें जो है वो सच में मन फिराव की शिक्षा को प्राप्त करना है, सच में मन फिराना है, जिसके कारण इंसान का सच में मन फिरे और वो मन फिराव उसके कर्मों के द्वारा उसके जीवन से दिखे। आज हमारे लिए बहुत सी बातें लाभ की हैं, जैसे झूठ बोलकर पैसे कमाना, ठगी के द्वारा पैसे कमाना, धोखा देकर अपना मतलब निकालना, भविष्य के लिए धन जमा करके रखना, जनता को चंगाई का लालच देकर या धनवान होने का लालच देकर उनसे दान दशमांश के नाम पर पैसे ठगना। ऐसे से बहुत सारे काम हैं, बहुत से अनुचित काम हैं जो इंसान अपने लाभ के लिए करता है, फिर चाहे किसी दूसरे की हानि क्यों ना होती जाए। लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने प्रभु यीशु के कारण इन सब बातों को हानि समझ लिया। यहाँ पौलुस की ही नहीं बल्कि मैं अपनी गवाही देकर आपको बताता हूँ कि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह के कारण जो जो बातें मेरे लिए सांसारिक तौर पर लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मसीह में आगे बढ़ने लगा तो सोचने लगा कि मेरा काम तो झूठ बोले बिना चलेगा ही नहीं, तो मैं क्या करूं। मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, यहाँ पे आप मेरी फीलिंग को समझना, क्योंकि मैंने उस समय पहली बार यह अनुभव किया था कि जब इंसान पाप को सच में छोड़ना चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ खड़ा हो जाता है। फरिश्तों की फौज उसके लिए उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, या ये कह लो कि सारी कायनात उसका साथ देने लगती है, और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ऐसे बात करता है जैसे साक्षात सामने खड़ा हो। जब मैं ये सोच रहा था कि मैं झूठ बोले बिना काम कैसे चलेगा और बाइबल खोली तो मेरे सामने एक वचन आया, नीति वचन 21:6, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु में उड़ जाने वाला कोहरा है और उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। इस वचन ने मेरे हृदय के साथ साथ मेरी आत्मा तक को छेद दिया और पवित्र आत्मा जी ने मेरी समझ को खोल दिया। तब मुझे समझ आया कि मान लो मैं झूठ बोलकर बहुत पैसा कमा भी लूं, लेकिन वो तो हवा में कोहरे की तरह उड़ जाएगा। फिर चाहे अस्पतालों के द्वारा उड़े या चोरी हो जाए या भारी नुकसान के द्वारा उड़े, और जब झूठ के द्वारा पैसा कमाया हुआ पैसा हवा में कोहरे के समान उड़ ही जाएगा तो मैं टेंशन और फिक्र में केवल मौत को ढूंढूंगा। बस उस दिन के बाद झूठ के द्वारा धन कमाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने छोटा सा झूठ बोलना भी छोड़ दिया, पूरी तरह से झूठ बोलना छोड़ दिया। लेकिन इसका परिणाम मेरी सोच के बिल्कुल परे था। जिस काम में झूठ ना बोलने के कारण मुझे नुकसान होने का 100% पता था, उसी काम में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि नुकसान तो दूर की बात उल्टा फायदा हो गया। उस दिन से मैंने प्रभु के अद्भुत हाथ को देखा कि जब हम परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं तो परमेश्वर हर नुकसान को फायदे में बदल देता है। रोमियो 8:28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ऐसे ही मसीह में आगे बढ़ते बढ़ते अगर मेरे जीवन में बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, बड़े से बड़ा घाटा हो जाए, और बहुत सारी चीज़ों में हुआ भी, चाहे कुछ भी बुरा हो जाए, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इसमें भी मेरे लिए भलाई ही निकालेगा। ये मेरा वचन पे विश्वास करने का मतलब यही है कि रोना नहीं है कि इतना नुकसान हो गया, इतना ये हो गया। वचन पे विश्वास करने का मतलब ये है कि अगर वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए बुराई में से भी भलाई निकाल देता है तो हमें रोना नहीं, हमें तो आनंदित होना है कि परमेश्वर तेरा एक और चमत्कार देखेंगे कि तू इस बुराई में से कैसे भलाई निकाल देगा। बस शर्त ये है कि ये नुकसान, ये घाटा, ये बुरा केवल और केवल सच के कारण होना चाहिए, भलाई के कारण होना चाहिए, अच्छाई के कारण होना चाहिए।
क्योंकि झूठ के कारण, पाप के कारण होने वाले नुकसान की भरमाई परमेश्वर नहीं करता, उल्टा दंड अलग से मिलता है। तो पौलुस कह रहा है कि जो जो बातें मेरे लिए भलाई की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। मसीह के कारण सब बातों को कूड़ा समझने का मतलब क्या है, इसको आप समझिए। एक बार एक लड़का था, उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मसीह में बढ़ने लग गया। एक दिन स्कूल में बाइबल के टॉपिक पर बात करने के लिए एक प्रोग्राम था, तो इस लड़के की ने जो भी वहाँ पे तर्क किए, जो बातें करी बाइबल की, इसकी बातें सुनकर सभी बच्चे तो क्या टीचर भी हैरान थे कि बाइबल का इतना सही और सटीक ज्ञान इस बच्चे को कैसे है। बस ये बात उस लड़के के घर वालों को के पास भी पहुंच गई। अब घर वालों ने उस लड़के को समझाया कि मसीह के पीछे चलना, ये सब फालतू की बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई करके घर में का जो बिजनेस है वो संभालो। लेकिन उस लड़के ने घर वालों की बात नहीं मानी, तो उस मसीही लड़के के भाइयों ने उसे किडनैप करके एक जगह में कैद कर दिया। क्या कर दिया? कैद कर दिया। कैद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई जेल या अंधेरी कोठरी या ऐसी कोई जगह का ख्याल आया होगा। तो सुनिए, इस मसीही लड़के के भाइयों ने इसे एक बड़े से महल में कैद कर दिया, और उस महल में अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। दुनिया के लगभग सारे ऐशो आराम, शराब शबाब आदि सब कुछ था। यहाँ तक कि सुंदर से सुंदर वेश्याएं भी थी, क्योंकि इस मसीही लड़के के भाइयों को लगता था कि संसार के सुख के आगे इस मेरे भाई को प्रभु यीशु मसीह फीका लगने लगेगा और ये सब मसीह ये सब छोड़ देगा। आखिर एक साल तक ऐशो आराम से भरे महल में उसको रखने के बाद इस मसीही लड़के के भाइयों ने इसे बाहर निकाला। लेकिन ये मसीही लड़का मसीह में और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस लड़के ने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को जान लिया था, इसलिए इसे महल में जो सारी सारी सुख सुविधाएं थी, ऐशो आराम शराब वैश्याएं, ये सब उसे कूड़े के समान दिखाई दे रही थी। अब आप ही बताइए, भला कोई इंसान कूड़े से भरी जगह पर रहकर खुश होगा क्या? इसलिए इस लड़के ने उसे उस कूड़े को छुआ तक नहीं। जैसे जो महंगे कपड़े की उत्तमता के कारण आपको अपने पहले पुराने वाले कपड़े फीके लगने लग गए थे ना, जैसे आपको बल्ब की रोशनी के आगे मोमबत्ती की रोशनी फीकी लगने लगी, ऐसे ही स्वर्गीय वस्तुओं के सामने संसार की वस्तु फीकी लगनी ही चाहिए। स्वर्ग में जो आराम मिलेगा उसके सामने इस संसार का आराम हमें हराम लगना चाहिए। आत्मिक जीवन की उत्तमता के सामने शारीरिक जीवन कूड़ा लगना चाहिए। प्रभु यीशु की उत्तमता के कारण ये संसार, संसार की बातें, संसार के रीति रिवाज, संसार के रिश्ते, मतलब पूरा संसार ये हमें कूड़ा लगना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:18, और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा तक बनी रहेंगी। दोस्तों, अगर मैं तब की बात करूं जब मैं शुरू शुरू में मसीह में आया था और मैं उस मसीही लड़के की जगह होता, तो एक साल तो बहुत दूर की बात है, मैं उस महल के चकाचौंध में एक दिन में ही गिर गया होता, क्योंकि मैं मसीह में तो आ गया था, प्रभु यीशु के नाम को भी जान लिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को नहीं जाना था। इसलिए संसार बहुत सुहाना लगता था, लेकिन क्योंकि अब मैं मसीह की उत्तमता को जानता हूँ, इसलिए दुनिया का कोई ऐशो आराम, धन दौलत या अन्य कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को पहले ही जान चुका होता, लेकिन शैतान के सेवक कभी भी प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता का प्रचार नहीं करते। वो तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को डॉक्टर यीशु, डॉक्टर जीसस
करके प्रचार करते हैं, या फिर अमीर बनाने वाले देवता की तरह प्रचार करते हैं, कोई वो चंगाई देने वाले बाबे की तरह प्रचार करता है। क्यों? ताकि लोग कभी भी उद्धार को प्राप्त न कर सकें। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने आया, और शैतान इंसान को उस उद्धार के मार्ग से भटकाने के लिए चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, धन दौलत का लालच लेकर आया। शैतान का सिर्फ एक लक्ष्य है कि इंसान उद्धार ना पाए और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए नरक में चला जाए। इसलिए अगर कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को जान जाएगा तो उसे संसार और संसार की वस्तुएं, चंगाई सभा, भविष्यवाणी सभा सब कूड़ा लगने लगेंगी। फिर शैतान किस बात का लालच देके आपको फंसाएगा? तो शैतान के जो सेवक कभी भी प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता का प्रचार नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ऐसा कोई गुनाह किया है या आपसे कुछ ऐसा गुनाह हो गया जिसकी कीमत आप अपना सब कुछ बेचकर भी नहीं चुका सकते। आप अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप हमेशा के लिए जेल में सड़ो या फिर कीमत चुका दो। लेकिन आपके पास कीमत चुकाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तब एक अनजान इंसान आपके पास आता है और कहता है, आपके छुटकारे के लिए जितनी कीमत चुकानी है उसके लिए मुझे मेरा सब कुछ बेचना पड़ेगा। और वो अनजान इंसान आपके छुटकारे के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचकर खुद कंगाल हो जाता है, लेकिन आपके छुटकारे के लिए सारी कीमत भर देता है। अब आप बताइए, आप उस इंसान के लिए क्या करेंगे? उसके लिए कितने शुक्रगुजार होंगे? आप उसके साथ अपने जीवन भर कैसा व्यवहार करेंगे? मेरा विश्वास है कि आप उस इंसान को जो आपके लिए कंगाल बन गया जीवन भर घर बिठाकर खाना खिलाएंगे, उसकी बहुत सेवा करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ जो हुआ था उसे आपने अपने शरीर में महसूस किया कि जेल में कितनी तकलीफ होती है और फिर आज़ादी क्या चीज़ होती है। उस आज़ादी का आनंद आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन आत्मिक जीवन सिर्फ विश्वास से चलता है। स्वर्ग नर को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम पापी हैं और हर पाप की एक कीमत होती है। उस कीमत को भरो या फिर नरक में जाओ, या फिर उसमें नरक में जाके हमेशा के लिए जलते रहो। पुराने समय में पाप की कीमत जानवरों के खून से चुकाई जाती थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि इंसान जितने पाप करता है उसकी कीमत चुकाने के लिए इंसान को करोड़ों रुपये की कीमत के जानवरों की बलि देनी पड़ती। फिर भी उसके पाप सिर्फ कुछ समय के लिए माफ़ होते हैं। अब हर इंसान करोड़पति तो है नहीं कि जो अपने पापों के लिए इतने सारे जानवरों की बलि दे सके, और वो दे मान लो इतने जानवरों की बलि दे भी दे तो फिर अगले पल वो पाप कर देता है, तो वो एक अनहोनी बात है। इब्रानियों 12:4, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू पाप को दूर करें। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हर इंसान के पाप के लिए एक ही बार बलि होने के लिए भेजा। अब आप सोचेंगे कि क्या आप अपने पापों के लिए, अब आप ये सोचिए कि क्या आप अपने पापों के लिए करोड़ों रुपए के जानवर खरीद पाते, वो भी सिर्फ काम चलाओ माफी के लिए, जिससे उद्धार भी नहीं हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने अनमोल लहू से आपको खरीद लिया। अब आप सोचिए कि आप कितने अमीर हैं, कि आपके पास विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू है जो उस करोड़ों अरबों खरबों रुपए के जानवरों से बेहतर है, उत्तम है, कोई मुकाबला नहीं है प्रभु यीशु मसीह के खून का और जानवरों के खून का। प्रभु यीशु मसीह का खून सबसे अनमोल है, उसमें कुदरत है, उसमें माफ़ी है। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस वचन से संसारिक धनवान होने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से मसीही लोग सही ज्ञान ना होने के कारण सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसारिक धनवान बना दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे अपनी गलतफहमी दूर करनी है वो बाइबल में प्रेरितों का जीवन देख ले। अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को इंसान को संसारिक तौर पर अमीर बनाना होता तो वो सबसे पहले अपने चेलों को बनाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले तो संसारिक तौर पर कंगाल थे और दुख भरा जीवन जीते थे। इस आत्मिक संदेश का टॉपिक प्रभु यीशु मसीह का
के लहू का नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिर भी कोशिश की है कि आपको बहुत कम शब्दों में जानकारी दे दूं। आप दुआ करेंगे तो एक ऑडियो संदेश जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के टॉपिक के ऊपर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा। आप सबको पता है कि अगर आप किसी का खून करोगे तो आपको जेल या फांसी की सज़ा होगी, इसलिए आप नहीं करते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं इसका खून कर दूं या मैं इसको ये कर दूं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर देश का कानून तोड़ेंगे तो उन्हें तुरंत दंड मिलेगा। ऐसे ही आत्मिक कानून तोड़ने पर भी दंड मिलेगा, लेकिन तुरंत दंड मिले ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मसीही लोग बेखौफ आत्मिक कानून तोड़ते रहते हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि एक दिन न्याय होगा और सज़ा मिलेगी। बेशक वो लोग जुबान से यीशु यीशु करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, दान दशमांश देते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते कि न्याय होगा और दंड मिलेगा। लेकिन ऐसे मसीहियों को देश के कानून पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अगर किसी का खून किया तो सजा मिलेगी। बस यही फर्क है कि सांसारिक बातों को देखते हुए विश्वास करना और आत्मिक बातें जो अभी दिखाई नहीं देती है उन पर विश्वास ना करना। लेकिन जिस दिन आप अनदेखी बातों पर बाइबल में आने वाले समयों के लिए बताई गई जो सब बातें हैं अभी से विश्वास करोगे कि ऐसा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, तब आपको प्रभु यीशु मसीह और उसके लहू से उत्तम कोई भी नहीं लगेगा। क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर को घूस नहीं दी जा सकती, इसलिए पैसे के द्वारा आप दंड से बच नहीं पाओगे। परमेश्वर के सामने आपका कोई तर्क नहीं चलेगा, इसलिए आपकी सांसारिक पढ़ाई आपको बचा नहीं पाएगी। धन संपत्ति, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, मित्र आदि आदि कोई भी आपको परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा पाएगा। केवल एक ही है जो आपको बचा सकता है, वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो दोस्तों, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को सबसे बढ़कर नहीं मानेंगे, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह को सबसे बढ़कर प्रेम भी नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान को जो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम लगता है, उससे ही वो सबसे बढ़कर प्रेम करता है, उसके साथ ही वो समय बिताना चाहता है। क्या कोई ऐसा प्रेमी होगा जो अपनी प्रेमिका के साथ समय ना बिताना चाहे? या कोई ऐसी प्रेमिका होगी जो अपने प्रेमी के साथ समय ना बिताना चाहे? तो क्या ऐसा होना संभव है कि कोई कहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके साथ समय ना बिताना चाहे? बेशक, यहाँ पे आपको मैं एक राय दे रहा हूँ, बेशक आप प्रार्थना ना करो, बेशक आप कोई गीत ना गाओ, बेशक आप आराधना ना करो, लेकिन कभी अकेले कमरे में बैठो और अपनी जुबान से अंगीकार करके सिर्फ ये कहो कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी हजूरी में बैठा हूँ या बैठी हूँ, ये समय प्रभु मैं तेरे साथ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बस इतना अंगीकार करके बेशक चुपचाप आंखें बंद किए बैठे रहो, आप थोड़ी ही देर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। इतना आनंद कभी आपको चर्च में गीत गाते हुए भी नहीं आया होगा जितना आनंद आपको प्रभु की हजूरी में बैठकर आएगा। फिर देखना, आप एक दिन भी बिना परमेश्वर से मिले रह नहीं पाओगे। आपको हमेशा बेताबी रहेगी कि कब मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठूं। तो हजूरी में बैठने का टाइम आप 1 घंटा निकाल लो, 2 घंटा निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो, ठीक है। और बेशक उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें प्रार्थना नहीं कर सकते या आराधना नहीं कर सकते। आप अकेले परमेश्वर के साथ चाहे उसकी हजूरी में शांत बैठो, चाहे आराधना करो, चाहे जैसे मर्जी गीत गाओ, जो मर्जी करो, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 1 घंटा क्या बोलें, हमें समझ नहीं आता। तो कुछ मत बोलो, बस ये अंगीकार करके बैठो कि प्रभु, ये समय मैं तुझे देता हूँ, मैंने ये समय तेरे साथ बिताना है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जब आप रोज, जब आप ऐसा करते जाएंगे तो परमेश्वर की हजूरी आपको अपने आसपास फिर हमेशा के लिए फील होने लगेगी। तो प्रार्थना भी कीजिए, आराधना भी कीजिए, गीत भी गाइए, लेकिन सबसे बढ़कर उसकी हजूरी में जरूर बैठिए। और वो हजूरी कोई चर्च में या कहीं किसी खास जगह नहीं होती है, जहां आप सड़क में है, कमरे पे, जहां भी, पार्क में है, कहीं पे भी, आप सिर्फ अपनी जुबान से अंगीकार कीजिए कि प्रभु, मैं तेरी हजूरी में बैठी हूँ। मोबाइल बंद, सब मतलब पूरा, जब आप और परमेश्वर मिल रहे हैं, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ रहे हैं, तो आपको पूरी दुनिया से उस समय के लिए सब कुछ कट कर देना है। फोन बंद, सब कुछ बंद। आप ऐसा जब करेंगे ना,
तब आपको जो आनंद मिलेगा ना, वो आप मतलब बयान से बाहर है। आप करके देखना। अंत में मैं कुछ बातें आपको साफ कर दूं, क्योंकि कई बारी लोग बहुत चीजों को गलत वे में ले जाते हैं, इसलिए कुछ बातों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर में पंखा, फ्रिज, कूलर या ये सब जो चीजें हैं ये घर से बाहर फेंक दें या इनको कूड़ा समझ के बाहर फेंक दें, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को हर चीज से उत्तम समझें और सिर्फ उतना ही सामान अपने पास रखें जितने से आपका साधारण जीवन चल सकता हो। मैं अपनी बताऊं, मेरे पास पंखा होने के बावजूद भी बहुत समय तक जानबूझकर गर्मी में रहता हूँ। अच्छा खाना होने के बावजूद भी बहुत बार साधारण ही खाना खाता हूँ। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं ऐसे करता हूँ जैसे कि मैं किसी जेल में बंद हूँ या संसार में विपत्ति पड़ी है या सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैंने बाइबल में से यीशु के प्रेरितों का जीवन देखा तो उनका जीवन जेल के जीवन से भी बदतर था। और यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ऐसा जीवन इसलिए ही दिया था ताकि उसके चेले उसके नाम के कारण जेल में रहें या फिर बाहर रहें, उन्हें कोई फर्क ना पड़े। यीशु मसीह ने अपने चेलों का जीवन इसलिए ऐसा रखा था ताकि वो जेल जाने के डर से या मार खाने के डर से सुसमाचार सुनाने से चूक ना जाए। आप खुद सोचिए, ये जो वीआईपी पास्टर हमेशा एसी में बैठे रहते हैं, बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं, क्या ये कभी सत्य का प्रचार कर सकते हैं जिसके कारण इनको जेल जाना पड़े या मार खानी पड़े? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान ने इन्हें ऐशो आराम के महल में कैद करके रखा है। ये कूड़े से प्रेम करके बैठे हैं, ये उसी कूड़े का प्रचार करते हैं। लेकिन सच्चा मन फिराव का मतलब संसारिक फायदा नहीं है, सच्चे मन फिराव का मतलब आत्मिक फायदा है। परमेश्वर जो है वो हमें आत्मिक तौर पर अमीर करना चाहता है। तो प्यारे मसीही भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी वैसा ही है, वो युगान युग एक जैसा ही है। लेकिन आज के समय में सच्चा मन फिराव होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समुन्द्र में एक सुई ढूंढना। इसका कारण ये है कि सच्चा सुसमाचार सुनाने वाले लोग बहुत कम है। आज इंसान को मसीह में लाने के लिए उसे पापों के बारे में नहीं बताया जाता है, पाप की पीड़ा क्या होती है ये नहीं बताया जाता है, पाप की पीड़ा का समाधान क्या है ये भी नहीं बताया जाता है, बल्कि उसे संसारिक लालच दिया जाता है ताकि इंसान उद्धार के मार्ग से भटक जाए। 5-5 साल, 10-10 साल के बच्चों को बपतिस्मा दे दिया जाता है जिन्हें पता ही नहीं है कि बपतिस्मा है क्या, पाप है क्या और पाप का क्षमा क्या है। इसके ऊपर भी मैं दुआ करूंगा परमेश्वर से कि इसके ऊपर एक स्पेशली इसी के ऊपर मैसेज बना दूं कि पाप और उसकी माफी का असली मतलब क्या है। जब आप इस वचन को, ये जो वचन हमने पहले भी पढ़ा है, फिलिपियों 3:17, परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जब आप इस वचन को अच्छे से समझ जाएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके बाद जब किसी पास्टर के प्रचार करते सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर देगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें सांसारिक तौर पर अमीर कर देगा, तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम धरती पर ऐशो आराम भरा जीवन बिताओगे, तो आप कहेंगे ये कैसा पाखंडी पास्टर है जो कूड़े का प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह हमें कूड़ा देने नहीं आया, बल्कि हमें अनंत जीवन देने आया। कूड़ा तो पहले ही हमने बहुत बटोरा हुआ था, इसलिए ही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10:21, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ही ये है कि कूड़ा लेकर मेरे पीछे ना चल, पहले कूड़ा छोड़ दे उसके बाद मेरे पीछे चल, तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। प्यारे मसीही भाइयों बहनों,
मैं इस आत्मिक संदेश के द्वारा आपको बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। बहुत लंबा इस मैसेज को नहीं ले जाना चाह रहा था, जितना कम से कम हो सकता था उतने में मैंने आपको समझाया। आप लोग प्रार्थना करते रहना ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आपको और भी आत्मिक संदेश सुना सकूं। मुझे विश्वास है कि अब आप हर चीज़ को परखेंगे कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह से उत्तम है या नहीं, और जब आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह से उत्तम कुछ भी नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा ईमानदारी से प्रेम करेंगे। इन दो वचनों के साथ ही मैं इस संदेश को समाप्त करूँगा। यूहन्ना 14:15, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 1 यूहन्ना 2:3, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। यहाँ 10 कमांडमेंट्स की, जब भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं की बात आएगी वहाँ पे याद रखना 10 कमांडमेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की नई व्यवस्था की नई आज्ञाओं की बात है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। किसको जान गए? प्रभु यीशु मसीह को। जो कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। इन वचनों को आप अपनी बाइबल से पढ़ना और समझना कि वचन में जो शर्त दी गई है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो झूठा है और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है, और न्याय के दिन उसका यह झूठ जल जाएगा और वो नरक में जाएगा। अपने अनुसार या किसी पास्टर के अनुसार अपने आप को सच्चा मसीही होने की गलतफहमी में ना रहो, बल्कि वचन के अनुसार अपने आप को सच्चा मसीही बनाओ, क्योंकि न्याय के दिन आपका पास्टर या कोई और आपके किसी काम नहीं आएगा। हर चीज़ की जो परख होगी वो वचन के द्वारा होगी कि वचन क्या कह रहा था और तुमने क्या किया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए संदेश के साथ। तब तक प्रभु यीशु मसीह की उत्तम आशीष आप सभी पर होती रहे। आमीन।